चहेता आपका भाई लॉन्ग टाइम से कोविड के दौरान जैसे हम सब लोग सुरक्षित थे और मैं ऊपर वाले से गॉड से प्रे वे कर रहा था मेरे सभी भाई बंधु लोग सभी बहनें सभी माताएं सुरक्षित और सुख से रह रही हों, उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो, बस ये है कि वो ध्यान रखे। तो आपके लिए आपका ये सुशील मिश्रा आपके लिए बेस्ट चीज लेके आ रहा हूं, सबसे सस्ता फ्लैट लेके आ रहा हूं लिव्ड विद कार पार्किंग का, वो भी पार्क के बगल में, पार्क के बगल में, मॉल के बगल में, मेट्रो के बगल में, क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं क्या पार्क के बगल में, मॉल के बगल में, मेट्रो के बगल में सस्ता फ्लैट मिलेगा। तो सस्ता फ्लैट यहां पर मैं आपको दे रहा हूं लिव्ड विद कार पार्किंग का, 2 BHK का फ्लैट, ऑन पेपर 50 गज, कवर्ड एरिया 55 गज का, और 17,000 रुपए की EMI में आराम से ये फ्लैट आप ले सकते हैं। जो मित्र 17,000 रुपए की EMI पे कर सकते हैं उनके लिए ये फ्लैट बना हुआ है। तो मित्रों फ्लैट सबसे सस्ता है और प्राइस बिल्कुल बताऊंगा और जरूर बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, पहले वीडियो दिखाऊंगा। तो पहले आप फ्लैट को देखो फिर आप प्राइस को देखो, क्या ये जो मैं मांग रहा हूं वो जायज है या नहीं है। अभी एडवांस में बताऊंगा तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, लेकिन इस कोविड के दौरान उन सभी मित्रों को सभी माताओं को थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट 100% दिया है। वो व्यूवर्स मेरे लाखों के हिसाब से बड़े हैं और इस कोविड के दौरान उन्होंने नंबर ऑफ लोगों ने मेरे फ्लैट मेरे यूट्यूब चैनल्स को देखा है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और कंटिन्यू मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो मित्रों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इस दौरान घर के अंदर रहे और अपना ख्याल रखा और हम जैसे लोगों के साथ बिजी रहे। तो अब आइए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। अभी मैं फ्लैट के फ्रंट पे खड़ा हूँ, जैसा आप देख रहे हैं ये लॉबी का एरिया है। इस साइड हमारा 3 BHK का फ्लैट है जो लिव्ड विद कार पार्किंग के साथ 75 स्क्वायर यार्ड का है और इसी के साथ ये लिफ्ट का ऑप्शन है आप देखिए, और इसके साथ जो आपको मैं 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ ये देखिए 2 BHK, आप देखिए यहाँ पे जो हमने ग्रेनाइट यूज़ किया है, साथ में ये देखिए आपका टाइल्स एक अच्छी क्वालिटी की टाइल्स है जो यहाँ तक हमने पूरी कवर करने की कोशिश करी है। साथ में ये MCV बॉक्स आप देखिए प्रॉपर यहाँ लगाए गए हैं। केबल के लिए आपको देखिए थोड़ी सी नज़र दड़ी है, दिखाइए आप इधर से केबल देखिए कितनी मोटी केबलें हमने यूज़ की है, 4 mm की और 6 mm की केबल्स जा रही है कंटिन्यू, क्योंकि छोटी छोटी कंजूसियाँ आज नहीं फ्यूचर में आपको परेशान करेंगे तो आराम मुझे परेशान करेंगे, इसलिए जो वर्क है वो एक ऐसा वर्क करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आप हमें डिस्टर्ब ना करें। अब दरवाजे की हाइट की बात करता हूं तो जैसा कि हमेशा देखिए यहां पे जो हमने चौखटे यूज़ करी है वो लोहे की चौखटे यूज़ करी है जो लॉन्ग लाइफ है, सीलन दीमक और नमी से ज़िंदगी भर के लिए निजात आपको मिल रही है यहाँ। और दोनों तरफ आप इसमें लगा सकते हैं, दोनों तरफ इधर लोहे का गेट लगा सकते हैं, इधर आप लकड़ का दरवाज़ा हम लगा के दे रहे हैं। तो ये आप दरवाजे की सनमाइका देखिए ग्लोजी और रेडिश ब्राउन में ये बहुत अच्छा ढंग से चमक रहा है, इसकी सफाई करने के बाद आपका चेहरा भी नज़र आएगा। और इसके लॉक्स अच्छी क्वालिटी के लॉक्स लगाए हैं, हैंडल लॉक्स। साथ में यहाँ देखिए आप इंटरकॉम, घर के अंदर घुसते ही आपके पास ये इंटरकॉम मिलता है, ये इंटरकॉम देखिए यहाँ पर इंटरकॉम ने लगा दिया है,
कोई भी आपके आने घर में आने वाला गेस्ट, आपको यहाँ से उससे बातचीत करके आप उसको परमिशन दे सकते हैं। दरवाजे के बैक में देखिए हमने मोल्डिंग का वर्क किया हुआ है, प्रॉपर मोल्डिंग वर्क है जो इस दरवाजे की लुक और शाइनिंग को मेंटेन कर, दोनों तरफ की जो सनमाइका है सेम सनमाइका ग्लोजी सनमाइका डिज़ाइन कोशिश करी है कुछ अच्छा करने के लिए। आप इस पार्ट को देखिए कितनी लंबी है, इसको 12 इंच की कहने, बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। साथ में ये एक LCD पैनल जो हमने यहाँ दिया हुआ है, ये प्रॉपर देखिए बहुत हैवी LCD पैनल नहीं दे रहे हैं, और एक प्रॉपर ऐसा है कि आराम से आप 32 इंची या 40 इंची का LCD लगा सकते हैं। साथ में ये शोकेस दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, साथ में अपना सेटअप बॉक्स वगैरह जो भी सजा, इस एरिया में आप अपना काउच या ये पपीज वगैरह रखने के लिए आपके नीचे स्पेस रहेगा। साथ में आपका एल शेप का सोफ़ा इस पर्टिकुलर एरिया में आराम से 4-seater 5-seater एल शेप का सोफ़ा आता है, 4-seater से आराम से स्मूथली स्पेस निकलता है। साथ में छोटा टेबल रखने के बाद आपका ड्राइंग एरिया कंप्लीट मिलता है। इस वॉल पे जो हमने वॉलपेपर लगाया है, देखिए आप इसको जब इसको टच करेंगे तो रियलाइज होगा कि इसकी थिकनेस कितनी मोटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर है। कलर पे मत जाइए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को देखिए, जो हमने वर्क यहाँ किया है, अलग से एक एक्स्ट्रा वर्क इस ड्राइंग रूम को सजाने के लिए फट गया है। फॉल सीलिंग का जो वर्क है देखिए, इसमें एक फ़ैन यहाँ लगा है, एक फ़ैन वहाँ लगा सकते हैं, अभी लगाया नहीं हमने। साथ में यहाँ झूमर लगा हुआ है, जो वर्क है वो एक अच्छी क्वालिटी का। अब इसकी मैं आपको किचन दिखाता हूँ, ये है इसकी किचन। जैसा कि हमेशा कहते हैं 2 BHK में एक किचन एटलीस्ट इतनी हो कि आराम से खड़े होकर काम कर सकें। आप देखिए प्रॉपर ये सिंक का पार्ट आ गया, ईस्ट और वेस्ट फेस में आपकी किचन आ गई, यहाँ आपका गैस चूल्हा लगेगा, चिमनी लगा के हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, चिमनी हमारी तरफ से आपको गिफ्ट में रहेगी। ये देखिए प्रॉपर चिमनी ऊपर तक जाएगी, ये जो वर्क है, और साथ में ये देखिए ये प्रॉपर स्टोरेज आपके लिए निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो मित्रों छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने कोशिश करी है मेंटेन करने की, ये स्टोरेज जो भी चीज़ आप रखें, यहाँ पे ग्लास लगाया है जिससे आपको दिखाई दे कि आपने क्या रखा है। नॉर्मली बोर्ड लग जाने के बाद हमें नज़र नहीं आता हमने किस चीज़ का डिब्बा यहाँ रखा है। इस पार्ट में अपना गीज़र या फिर जो भी चीज़ आप यहाँ लगाना चाहें RO वगैरह इंस्टॉल करा सकते हैं, प्रॉपर स्पेस उसका दिया गया है। ऊपर की स्टोरेज के लिए हमने 4 इंची का बोर्ड दे रखा है कि आराम से ऊपर ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। एक सिंगल लेडीज के लिए प्रॉपर पूरी स्पेस निकल के आता है, नीचे भी देखिए काफ़ी स्पेस निकल के आ रहा है, यहाँ भी देखिए रैक्स वगैरह है, हर उस चीज़ को मेंटेन करें। किचन की जो सनमाइका है वो अब देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सनमाइका हमने यूज़ करने की कोशिश करी है, और जो एक कह सकते हैं चमक मेंटेन रहे, हमेशा ऐसा कलर है कि गंदा नज़र नहीं आएगा, आप एक बार कपड़ा मार दें हमेशा क्लीन नज़र आएगा। इस पार्ट में ग्लास लगाने का केवल एक पर्पज है कि आप यहाँ बर्तन धोएं तो ये आपका पार्ट गंदा ना हो, हमेशा क्लीन नज़र आए, और प्लस आपकी ड्राइंग रूम का लुक भी इंक्रीज होता रहे। और ये देखिए इस पार्टिकुलर को डिज़ाइन करने का केवल एक कंसर्न है कि आपके ड्राइंग रूम में चमक और शाइनिंग मेंटेन हो जाए। यहाँ पे छोटी छोटी हमने जो लाइटें लगाई हैं उसका कंसर्न मेंटेन, एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छी चीज़ नज़र आए, एक अच्छा ड्राइंग रूम नज़र आए हमारा। अब आपको मैं बेडरूम दिखाता हूँ, इस साथ में बेडरूम देखिए, इसका वॉलपेपर, यहाँ हमने वॉलपेपर ग्रीन कलर का वॉलपेपर दिया है, साथ में आप देखिए 2 अलमीरा हमने दिए। इस पर्टिकुलर पार्ट में बेड लगा सकते हैं, अब इसके हैंडल स्नैप के गए हुए हैं तो चेंज लगे, ये पर्टिकुलर ड्रॉर्स हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टोरेज है, आपके लिए प्रॉपर स्टोरेज दे रखी है, इस पर्टिकुलर पार्ट में भी स्टोरेज लगी हुई है, ये सारा यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आप जब अपना बेड डालेंगे तो आप अपना लैपटॉप या मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई भी पार्ट रखना चाहें तो आराम से सकते हैं। यहाँ पे हमने पावर पॉइंट भी नीचे दे रखे हैं, ये अभी लॉक है अलमीरा, इसके साथ सामान रखा हुआ है पूरी लॉक। और साथ में आप देखिए अपना ये बेड डालते हैं, ये आराम से आपका स्प्लिट एसी की फिटिंग दी है, और ये मखमल की फिटिंग हमने यहाँ दी है, जबरदस्त लुक आता है। और इसमें आराम से आप 6x6 का बेड डालने के बाद आपके पास प्रॉपर एटलीस्ट 2.5 फिट का एरिया निकल के आता है, जो स्पेस दिखाई देता है। और जो वर्क है वो फॉल सीलिंग के वर्क के साथ आप देखिए हर चीज़ को कोशिश करी मेंटेन करने के लिए, इसमें स्ट्रिप लाइट जो लगाई है अंदर, साथ में उसके अंदर कंसील लाइटें जो लगी हैं, जो उनका साइज है आप देखिए काफ़ी चौड़ी साइज की है और अच्छी क्वालिटी की है। तो मित्रों ये है, अब इसके साथ ही आपको बाथरूम दिखाता हूँ, जो हर किसी की चॉइस हो, एटलीस्ट मेरा बाथरूम इतना बड़ा हो कि मैं आराम से उसके अंदर अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ। ये देखिए
इसकी टाइल्स की जो क्वालिटी है उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। साथ में इस साफ्ट का प्रोविजन है यहाँ पे, यहाँ पे आप अपना गीजर लगा सकते हैं। साथ में इस पार्ट में देखिए ये मिक्सर लगा हुआ है, यहाँ पे टूटियों का साइज दे रखा है, टाइल्स यहाँ पे गीजर लगा रखा है। प्रॉपर जो वर्क है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने कोशिश करी है। मित्रों एक और चीज़, प्राइस 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 बहुत सस्ता फ्लैट है। आप देखिए साथ में ये बेडरूम, ये इस बेडरूम के साथ ये साफ्ट का प्रोविजन, एक बड़ी साफ्ट है। साथ में इस पर्टिकुलर चूंकि ये फ्लैट विदाउट बालकनी का है, यहाँ भी हमने बड़ा सॉफ्ट दिया है जिसे आप यहाँ पे अपना आउट एसी लगा सकते हैं और जो छोटी मोटी स्टोरेज है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और इसकी जो चौखट है वो आयरन की चौखट है, एसएस की रेलिंग लगा के दे रखी है हमने। कमरे का साइज 10x10 का साइज है। तो मित्रों इन सब चीज़ों के बीच में जो कमरा, जो डिज़ाइन, जो वॉलपेपर, वो हमने बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करी है। अब आते हैं क्या ये फ्लैट लोन मिलता है। तो मित्रों पहले ही मैंने आपको बोला कि 17,000 रुपये की ईएमआई में ये फ्लैट आपको मिलता है। तो मित्रों 17,000 की ईएमआई का मतलब है ये फ्लैट 20,90,000 रुपये का ये फ्लैट आपके लिए इस कोविड के दौरान एक बम्पर गिफ्ट की तरह है, क्योंकि जिसकी कीमत होनी चाहिए 23 से 24 लाख रुपए, उस फ्लैट की कीमत मैंने 20,90,000 रुपए का आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहा हूँ। और मेरे पास इसकी एक गुडनेस और न्यूज़ है कि इसकी जो छत हमने दी है वो कॉमन रूफ राइट है। कॉमन रूफ राइट की मतलब आप इस बिल्डिंग में चार लोग रहने वाले, चारों के चारों लोग उस छत को यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉप फ्लोर विथ रूफ राइट नहीं हम सेल कर रहे हैं, सभी के लिए विथ रूफ राइट है। तो मित्रों सबसे बेस्ट बेस्ट क्वालिटी की छत आपको आपके अपने फ्लैट के साथ मिल रही है। अब क्या ये फ्लैट आप कंपेयर करेंगे मार्केट में, मार्केट में जब कंपेयर करेंगे तो 23 से 24 लाख का फ्लैट में लिफ्ट विद कार पार्किंग नहीं मिलेगा। यहां पर 20,90,000 का ये फ्लैट लिफ्ट विद कार पार्किंग और 17, 18, 19, 20 जितना लोन लेना है लोन ले लीजिए। 90% आराम से आप लोन ले सकते हैं, आराम से लोन मिलेगा। ये आईफल, इंडिया बुल जो भी हैं सब आपको लोन देंगे। तो मित्रों हरी अप बिना डिले करें, और इन सब चीज़ों के बीच में मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों पार्किंग लिफ्ट है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी गुडनेस है ना जानते हैं, ये फ्लैट वहाँ पर है जो वॉकिंग डिस्टेंस में पार्क है। पार्क जैन पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है, आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं द्वारका जैसी फीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। तो मित्रों हरियप बिना डिले करें, मोस्ट वेलकम है, थैंक यू।